बिहार में चल रही सियासी उथल पुथल की चर्चाओं के बीच अब कई ऐसी बातें सामने आने लगी है जिसको लेकर के एक बार फिर से ये जोर पकड़ने लगा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक चलेगी। हालांकि दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है कि 5 साल ये सरकार चलेगी और भारतीय जनता पार्टी ही इस सरकार को 5 साल तक चलाएगी। जिस तरह से नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं, नीतीश कुमार अपनी पार्टी के अंदर भी हो रहे घमासान को लेकर के परेशान हैं, इन सब के बीच में मुलाकातों का दौर दिल्ली में जारी है, जैसा कि आपने सभी ने देखा। और हमने खबरों में बताया भी था कि किस तरह से लालू प्रसाद, कांग्रेस और अन्य लगभग 23 अलग अलग पार्टियां मिल करके एक साथ भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने की तैयारी कर रही है। इसी बीच में आपने ये भी देखा होगा कि हमने खबरों में बताया था कि लालू प्रसाद यादव शरद यादव से मिलने उनके आवास पर गए थे, उसके बाद उनकी मुलाकात और भी कई नेताओं से हुई थी। इन सारी मुलाकातों के बीच में मुलायम सिंह से भी मुलाकात हुई। अब राजनाथ सिंह का शरद यादव से मुलाकात एक बड़े सियासी उथल पुथल की तरफ संकेत दे रहा है। राजनाथ सिंह मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं और जब जब कभी भी संकट आया है भारतीय जनता पार्टी या फिर उनके गठबंधन के साथियों पर, तो राजनाथ सिंह को आगे कर दिया गया है, क्योंकि राजनाथ सिंह अटल बिहारी वाजपेयी के समय से सी एंकर का काम करते रहे हैं। उन्होंने एक मजबूत कड़ी के रूप में भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल, सभी को एनडीए में रखने का एक बड़ा काम किया था। आपको याद होगा कि 2014 में पार्टी के अध्यक्ष भी यही थे। अब ऐसी स्थिति में शरद यादव से राजनाथ सिंह की मुलाकात, हालांकि इस मुलाकात को सामान्य मुलाकात कही जा रही है, लेकिन आपने देखा होगा किस तरह से राजनीतिक लोगों की मुलाकात कभी भी सामान्य मुलाकात नहीं होती है। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड पावर गेम दिखा रही है, शक्ति प्रदर्शन कर रही है, बिहार में दो दो नेताओं का जिस तरह से स्वागत समारोह आयोजित किया गया उसे देख करके लगा कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड ये दिखाना चाह रही है कि उसके पास काफ़ी शक्ति है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चुपचाप, जिस तरह से हमने खबरों में आपको बताया भी था कि सर्जिकल स्ट्राइक करने की स्थिति में आ गई है, धीरे धीरे वो सर्जिकल स्ट्राइक शुरू भी कर चुकी है। अब इन सब बातों के बीच में राजनाथ सिंह का शरद यादव से मुलाकात करना, इसके ठीक पहले लालू प्रसाद का शरद यादव से मुलाकात करना, एक तरफ जहां सियासी चर्चा शुरू होना, वहीं दूसरी तरफ एक ये भी चर्चा शुरू होना कि कहीं दोनों के बीच में कोई संबंध तो नहीं तय किए जा रहे हैं, तेजस्वी यादव की शादी की भी बात चर्चाएं चल रही थी। इन सब बातों को विराम लगाते हुए अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं तस्वीर, उन तस्वीरों में राजनाथ सिंह और शरद यादव एक दूसरे की मुलाकात हुई, घंटों बातचीत हुई, और इस बातचीत के बाद शरद यादव ने खुद फेसबुक पे एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि अपने अच्छे मित्र और पुराने सहयोगी श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री भारत सरकार को अपने आवास पर पाकर बहुत खुशी हुई, जिनसे आज एक शिष्टाचार मुलाकात की। आप शिष्टाचार मुलाकात की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह और शरद यादव की मुलाकात कहीं ना कहीं एक सियासी जो जोड़ घटाव होते हैं उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है, और इस इशारे में बिहार में सियासी उथल पुथल के भी संकेत दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तस्वीरें आपने देख ही लिया है, और भी तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुँचाएँगे। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।